हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें से मुख्य अभी है धूम्रपान, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, उच्च रक्तचाप, और कुछ लोगों में जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है जिनके खानदान में ये बीमारी चलती रहती है, तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे चलना फिरना नहीं है, मोटापा, ये कुछ कारण है। अब हार्ट अटैक क्या होता है कि हार्ट की जो मुख्य धमनियां होती है उसमें प्लाक का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, एक लेवल पे उसकी जो झिल्ली है वो फट करके उस नस को पूरा बंद कर देती है। पूरा बंद होते ही सीने में भारीपन, जो कि दर्द, जबड़े में जाना, पीछे पीठ में जाना, दाएं और बाएं दोनों हाथ में जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सांस की तकलीफ होना, ये सिम्टम्स रहेंगे। इन सिम्टम्स को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके, जैसा कि सर ने बताया कि गोल्डन आवर होता है, गोल्डन विंडो पीरियड होता है, जिसमें एक या डेढ़ घंटे के अंदर अंदर जितना जल्दी, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद में हार्ट की मांसपेशियां अधिकांश डैमेज हो चुकी होती है, तुरंत एंजियोग्राफी की जाती है, कहाँ पे ब्लॉक है उसको ओपन करके उनके प्रभाव को मेंटेन किया जाता है, और ये दुनिया का सबसे नवीनतम इलाज है। क्योंकि एक डैमेज होने के बाद में उस इलाज को करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बीमारी ना हो उसके लिए आपको जो रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनसे बचाव करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कई बार नॉर्मल दर्द होता है चेस्ट में, तो उसको कैसे देखा जाता है? नाभि के ऊपर, जबड़े के नीचे, इस दर्द को कभी भी नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए, हमेशा उसको कंसल्ट, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब तक ये तय न हो जाए कि भाई ये दर्द है, हार्ट की वजह से ना है, तब तक उसको अपने लेवल पे, अपने स्तर पर ये न माना जाए कि ये गैस की वजह से है या किसी और मांसपेशियों का दर्द है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार इग्नोर की अवस्था में एक घातक साबित हुआ है, गाड़ी का रेस्ट तक पहुंच जाते हैं और रेजिमेंट भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जाए? और स्पेशली आप पूछ रहे थे भी ये दर्द है तो हार्ट के कारण है या नहीं है, जिस दर्द का ताल्लुक एक्सर्शन से है, चलने पर हुआ है, कोई काम करने पर हुआ है, वो 99% हार्ट के कारण ही है। एक चीज, जिस दर्द के साथ घबराहट, पसीना, वो बेचैनी है, वो हमेशा हार्ट के साथ होने के कारण ज्यादा संबंधित होने के चाहिए। तो इन चीजों का क्या, जैसे कि साथी ने पूछा कि खाने पीने का क्या ध्यान करना चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर, जैसे हम पहले बता रहे हैं कि बचाव इलाज से बेहतर है, तो खाने पीने के लिए सबसे पहले जो सबसे घातक चीज है वो हमारा घी आता है। आजकल हम ऐसा घी, घी में केमिकली देखिए तो मोनोसैकेराइड एसिड, फैटी एसिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, काफ़ी तरह के फैट्स होते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में जिस घी को बार बार हम उबालते हैं, बार बार उसका टेम्परेचर हम 200 से ऊपर ले जाते हैं, वो ज़्यादा घातक होता है। एक ही घी को यदि हम 5 बार, चाहे वो अच्छा घी भी, 5 बार हम उसका टेम्परेचर 200 से ज़्यादा ले जाएंगे, वो हानिकारक घी में तब्दील हो जाएंगे। वैसे आजकल घी में देसी घी की अधिक मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ देसी घी इज एक्सेप्टेड। देसी घी से बेटर है रिफाइंड, और रिफाइंड से बेटर है सरसों का तेल। और जो हम एक कॉमन सी एडवाइस करते हैं कि ये घी के सोर्स को हमेशा बदलता रहना चाहिए, कभी सूरजमुखी वाला घी लें, कभी कॉर्न से लें, कभी किसी चीज़ का बना हुआ, तो वो बेटर होता है, हमेशा एक ही तरह का घी यूज करने की बजाय। एक जो सबसे ज्यादा है धूम्रपान, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, कैनी, मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब का एक ही रूप है। ये क्या है, जितनी भी धमनियां होती हैं, चाहे वो दिल में हो चाहे दिमाग, उसकी झिल्ली को ये खुरदरा कर देती है, और उसके बाद वही रिजल्ट आता है, उसके ऊपर प्लेग जमता है और एकदम से हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होता है। तो धूम्रपान, सिडेंट्री लाइफ, डाइट के बारे में तो सबको मालूम है, और उसके बारे में आज लोग कॉन्शियस भी हो गए, पर इन दो चीजों को, ये तो एक तरह से एडिक्शन बन गई। अभी तक हम एडिक्शन शराब, किसी नशे को, भांग और इनको, पर धूम्रपान का जो नशा है वो सबसे ज्यादा घातक रहता है।
चाहे वो हार्ट पे हो, चाहे ब्रेन पे हो, चाहे फेफड़े पे, तो इससे बचेंगे तो अपने आप ही ये संभावनाएं कम होती चली जाए। धूम्रपान का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूंगा। आमतौर पर पूछते हैं कितनी बीड़ी, एक बंडल पी लें वो तो हानिकारक नहीं है, ये आम क्वेश्चन होता है। एक भी बीड़ी उतनी ही हानिकारक हो सकती है, एक भी सिगरेट उतनी ही हानिकारक हो सकती है, एक चीज। नंबर दो पूछते हैं, ये तो फिल्टर वाली सिगरेट है जी, इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा है, तंबाकू तो अंदर जा ही रहा है, वो उतना ही नुकसान करेगा जितना कि साधारण बीड़ी और बिना फिल्टर वाली सिगरेट। थर्ड क्वेश्चन, आमतौर पर धारणा है कि हम तो हुक्का पी रहे हैं, हुक्का तो फिल्टर होके आता है, ये तो नुकसान नहीं करेगा। अगेन ये भी एक मिसनॉमर है, मिसकंसेप्शन है, हुक्के में भी तंबाकू हमारे अंदर जा रहा है, वो उतना ही नुकसान। तो मैं तो गवर्नमेंट को, संस्थाओं को, हम गांव में देखते हैं, पंचायत है तो पंचायत की मीटिंग होती है, एक हुक्के पे पांच लोगों को बुलाया, कोई सरपंच बनाया तो उसके घर के आगे भुक्का ना हो तो लोग कहते हैं ये सरपंच कैसा बना। तो इन चीजों से जागरूक। डॉक्टर साहब पॉलीथीन के बारे में बात करना चाहेंगे, जितनी खाद्य सामग्री है हमारे पॉलीथीन के अंदर डल के आती है, तो तो पॉलीथीन के बारे में बताएंगे कि पॉलीथीन कितना घातक इंसान के लिए, हार्ट या इस तरह से शरीर के लिए हो सकता है। जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर सिर्फ हार्ट के लिए हैं, जो आज हम हार्ट की बात कर रहे हैं, पॉलीथीन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन पॉलीथीन तो वर्ल्ड वाइड हम बैन ही कर रहे हैं, कुछ डाइट मॉडिफाई करके कर सकते हैं, जैसे कि नमक की अधिकता नहीं होनी चाहिए खाने में, हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, अनाज थोड़ा सा मोटा लें। और यदि एक बार आपको हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप डायग्नोज हो गया है और उससे संबंधित मेडिसिन किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो आपको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों तो ऐसी बीमारी है कि उनके तात्कालिक सिम्टम्स नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई को ब्लड प्रेशर हुआ और शुगर हुआ उसके तुरंत ही लक्षण आने लगे, तो उनके दूरगामी परिणाम घातक होते हैं, क्योंकि शुगर लंबे टाइम तक पूरे शरीर के हर हिस्से पे असर करती है, ब्रेन डैमेज करती है, हार्ट पे असर डालती है, पूरी नसों पे डालती है असर, और उसके बाद में उनको रिवर्ट नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो समय रहते पहचाना, शुगर के लिए सिंपल सा टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करके पता चल जाता है, यदि शुगर 125 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब आपको इम्पैक्ट है, शुगर फ्रिक्वेंटली चेक करवाएं, एक बार डायग्नोसिस फिक्स हो गया उसके बाद उससे रिलेटेड मेडिसिन लें। ब्लड प्रेशर का भी वैसे ही है, बीपी चेक कराएं, हर जगह अवेलेबल है, किसी भी कोने में आप ब्लड प्रेशर आराम से बैठ करके 10 मिनट ब्लड प्रेशर चेक कराएं। लगातार यदि बीपी ज़्यादा आ रहा है, पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि नमक कम खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, फूड्स सारा करके देखना चाहिए। ये सब करने के बावजूद ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, 140 से ऊपर रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है, तो उससे संबंधित दवाई आपको नहीं। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि इसका हमें पता नहीं लगेगा, कोई सिम्टम नहीं होगा। नो योर नंबर्स, हम ये आज एडवोकेट करते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को पहचानो। सिर्फ ये कि आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, ऐसा नहीं सोचें। एक्चुअली देखिए कि क्या आपके नंबर्स हैं, क्या बात, किसी को हो सकता है कोई तकलीफ ना हो, तो ब्लड प्रेशर उसका नोट करें तो 180 आएगा, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। समय पर जांच करवाना, हाँ जब भी ब्लड प्रेशर हम एक बार देखते हैं किसी का 180 आया, सीधा दवाई कोई भी डॉक्टर नहीं लिखता, पहले उसको हम यही एडवाइस करते हैं भैया नमक कम कर लो, योगा करो, यदि आप टेंस हो तो रिलैक्स हो जाए,
80% 90% उनमें से ठीक आ जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ री एश्योरेंस ही दवाई। लेकिन अगेन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है। यदि बार बार ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है तो दवाई को एक दोस्त में दवाई लगातार। थैंक यू। आफ्टर कोविड हार्ट अटैक का रिस्क कितना बढ़ा है तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है? कोविड बेसिकली हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, मतलब कोविड में खून के थक्के बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है आम आदमी के बनने की, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक की संभावनाएं बड़ी है। किसी को कोविड हुआ है और निमोनिया हुआ है, उसका असर फेफड़ों पे आया है, तो उस अवस्था में चिकित्सक जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको ब्लड क्लियर लेते हैं कुछ दिनों में, वो नियमित रूप से लेना जरूरी है। अदरवाइज कहीं पे भी क्लॉट बन गए, चाहे वो ब्रेन अटैक हो चाहे हार्ट अटैक हो, तो वो होने की संभावना बढ़ गई। कोविड रिकवर करने के बाद पेशेंट को किस प्रकार की डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका हार्ट है वो हेल्दी रहे? कोविड के बाद में यदि आपको कोविड पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो डेफिनेटली उसको रिहेबिलिट करने के लिए पहले एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर वॉक करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर वॉक नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे तो वो पैरों की नस में क्लॉट बन करके उसको डीपेन थ्रोम्बोसिस करते हैं, वो वॉक करने के बाद फेफड़े में क्लॉट बन जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म घातक अवस्था कोज करता है। तो वॉक करें, सिंपल डाइट रखें और जो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब मेडिसिन है उनको कंटिन्यू करें। सर जैसे कि आपने बताया कि नियमित जांच आवश्यक है, उसका भी पैरामीटर है सर, कब कब कौन कौन सी जांच करवाई जानी चाहिए, किस उम्र में किसको करवानी चाहिए? यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कजन्स को, अंकल को, किसी को भी हार्ट डिजीज हुई है अर्ली एज यंग अवस्था में, तो उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो बेसिक रिस्क फैक्टर है जैसे कोलेस्ट्रॉल या अधिकतर ब्लड शुगर और कुछ हार्ट के कंजेनाइटल जो जन्मजात हार्ट की सेप ऐसी होती है कि उनमें कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो उनको स्क्रीनिंग के लिए इको ईसीजी उनको तो कभी भी दवा दो। एक बार पता लग गया कि भाई फैमिली हिस्ट्री है तो उनको जितना जल्दी हो स्क्रीनिंग करवा। नॉर्मल हेल्दी इंसान को स्क्रीनिंग के लिए 40 से पहले एक बार अपने रूटीन ब्लड प्रेशर, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करवा। कोविड शुगर कुछ बढ़ने का लेवल मिला है ज़्यादा पेशेंट्स में, तो क्या उनको हार्ट अटैक का भी खतरा है? जैसा कि बताया कि कोविड अपने आप में एक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर है, और शुगर जिनकी पहले से ही इम्पेयर्ड रही है, जिनकी बॉर्डरलाइन शुगर रही है और कोविड के ट्रीटमेंट के बाद में वो फ्रैंक डायबिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको खाने पीने में